दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक कंटेंट वन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपने देखे होंगे YouTube पर बहुत सी वीडियो जिसमें बताया जाता है कि पंचायत, आपकी जो ग्राम पंचायत है उसके बारे में डिटेल कैसे निकाल रहे हैं, उसमें क्या काम आया है, क्या नहीं आया है, क्या हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच और सेक्रेटरी ने क्या करवाया है, क्या काम पेंडिंग में है। तो पूरी जानकारी आप इससे अगर निकालना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करते हो कि वीडियो में बताया जाता है, लेकिन वीडियो में पूरी जानकारी नहीं होती है। और वीडियो में अगर एमपी का बताया तो एमपी की वेबसाइट है, और राजस्थान का बताया तो राजस्थान की वेबसाइट मिलती है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता है कि ऐसी कौन सी वेबसाइट जिस पर ऑल स्टेट ऑल डिस्ट्रिक्ट की ग्राम पंचायतों के जो है वो जानकारी निकाल सकें। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप कैसे ऑल स्टेट की ग्राम पंचायतों के जो है वो पूरी जानकारी निकाल सकते हो अपने घर बैठे, और आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके जो ग्राम पंचायत के सरपंच है उन्होंने कितना रुपया निकाला है और कितना हमारे ग्राम पंचायत के विकास में लगाया है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में एक क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में टाइप करना है आपके लिए। यहाँ पर टाइप करेंगे पंचायत GOV.in। हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है पंचायत GOV.in, और यहाँ पर हम सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करोगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर हम ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे, और आपके लिए यहाँ पर नीचे एक वेबसाइट दिखेगी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज होम। तो इस वेबसाइट पे आपके लिए नहीं जाना है, आपके लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर जाना है आपके लिए। नीचे एक वेबसाइट दिख रही है, सर्च पंचायत वेबसाइट। तो जो आपके लिए वेबसाइट दिख रही है, सर्च पंचायत वेबसाइट, आपके लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है जो आपके सामने खुल कर आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा ग्राम पंचायत की वेबसाइट, देखें आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा ग्राम पंचायत की वेबसाइट देखें। तो हाँ, यहाँ पर आपके लिए पहले जिला सिलेक्ट कर लेना है अपना। हम यहाँ पर जिला सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना जिला है जो सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक और ऑप्शन खुल गया है, यहाँ पर लिखा है जनपद चुने, तो यहाँ पर हम अपना जनपद है जो चुन लेते हैं, हमारा जनपद पिछोर है। और यहाँ पर ग्राम पंचायत का ऑप्शन भी आपको आपका खुल जाएगा, और यहाँ पर आप अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर पंचायत की वेबसाइट देखने पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पंचायत की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। देखिए कुछ ही सेकंड में ये वेबसाइट खुलने कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश का आधिकारिक वेब पोर्टल। तो आपके लिए यहाँ पर आपके ग्राम की नाम भी मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है ग्राम पंचायत, वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया तो से भर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर है भमर हार, और यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा जनपद पंचायत पिछोर जिला शिवपुरी। आपके लिए यहाँ पर अपनी पंचायत का नाम देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर अपनी पंचायत का फोटो देखने को मिल जाएगा। वो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आपके लिए अपने पंचायत में, तुम्हारी पंचायत में जो भी सरपंच है उनका नाम, सेक्रेटरी उनका नाम, और रोजगार सहायक उनका नाम देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसमें मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाएगा। और आपकी पंचायत में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिंक है, और यहाँ से आप पूरा वर्क देख सकते हो कि आपकी पंचायत में कौन सा काम आया था, उसमें कितना खर्च हुआ है, और आपके पंचायत के बैंक अकाउंट में विशेष राशि कितनी है वो यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से कुल प्राप्ति देख सकते हो, कितना व्यय हुआ है और निर्माण कार्य कितना हुआ है। यहाँ से आप सारा कुछ डिटेल में शीश रोड पक्की गली या निर्माण कार्य, यहाँ से पूर्व निर्माण कार्य देख सकते हो आप। कौन से कार्य में कितने रुपये निकले हैं, कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ से आप सारी जानकारी देख सकते हो। यहाँ पर जैसे जैसे मैंने बताया, इस तरीके से सिर्फ आप MP के पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो है वो ग्राम पंचायत की डिटेल देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए लिखा देखने को मिल रहा होगा MP। जैसे ही आप वेब सर्च में पंचायत.gov.in अपने स्टेट का नाम अगर वहाँ पर सर्च करते हैं तो आपकी स्टेट की वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगी। जैसे कि अभी मैं सर्च करके आपके लिए बता देता हूँ, तो यहाँ से आपने देखा कि किस प्रकार आपके पंचायत की ऑफिशियल वेबसाइट से आप पता कर सकते हो। तो चलिए मैं एक बार फिर आपके लिए दूसरे स्टेट की ग्राम पंचायत की वेबसाइट सर्च करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम सर्च कर देंगे, देखिए मैं सर्च इस प्रकार से आपके लिए सर्च बार में टाइप करना है पंचायत GOV.UP वेबसाइट। जैसे कि मैं यूपी स्टेट का अभी सर्च कर रहा हूँ, तो जिस भी आप स्टेट से हैं वहाँ पर अपना स्टेट का नाम डालेंगे, वेबसाइट डालेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट खुल के आ जाएगी आपके स्टेट की। यहाँ से आप देख सकते हो एक वेबसाइट खुल के आ गई है,
पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सबसे फर्स्ट में आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है जो देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, देखिए अब यूपी यहाँ पर लिखा आने लगा, पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश। यहाँ से आप सारी जानकारी देख सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन पंचतवन का विस्तृत विवरण रिपोर्ट यहाँ से अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ आपके सामने शो होगा। अपने जनपद का नाम हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कोई भी एक नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं यूपी से नहीं तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, तो यहाँ से उस जनपद की पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। देखिए पूरे पंचायत भवन में किस प्रकार संशोधन अतिरिक्त निर्माण की आवश्यकता है, सारी जानकारी आपके सामने शो हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने पंचायत में अपने सरपंच, आपके सरपंच ने क्या काम करवाया है, क्या नहीं करवाया, कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे यूज किए हैं, आपके पंचायत में के विकास में कितने पैसे व्यय खर्च किए हैं और कितने नहीं किए, तो आप सारी जानकारी ले सकते हो। और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप आपके जो ग्राम सेवक, ग्राम के जो सरपंच है उनसे कह सकते हो कि ऐसा काम नहीं हुआ, इतने पैसे आए हैं, आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आप मैंने सिर्फ इस वीडियो में आपके लिए इतना बताया कि आप अपनी पंचायत की पूरी जानकारी कैसे खुद घर बैठे ले सकते हो। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब मैं ऐसे ही और नए वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।